दोस्तों नमस्कार। तो मेरा नाम है आनंद चतुर्वेदी और जैसा कि आप सबको बताया कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे ब्लॉग डालते हैं, तो आज के इस ब्लॉग में हम छतरपुर में आए हैं अपने रेलवे स्टेशन पे। देखिए यहाँ पे लिखा है हमारे यहाँ पे महाराजा छतरपुर रेलवे स्टेशन। तो आज हम अपने इस रेलवे स्टेशन पे आपको दिखाने वाले हैं। आप कहीं से भी आते हैं तो आपको देखना, मतलब आपके मन में रहता है कि यहाँ पे देखें छतरपुर रेलवे स्टेशन कैसा है, क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे, कहाँ पे टिकट बुक होती है, कहाँ पे क्या होता है, कितने प्लेटफॉर्म है। तो हम हर चीज़ इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कि मतलब हम सबसे पहले दिखाएंगे आपको कहाँ पे टिकट बुक होती है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे प्लेटफॉर्म कितने हैं यहाँ पे, साफ सफाई है कि नहीं, रुकने की व्यवस्था है कि नहीं, और ये भी दिखाएंगे कि अगर साफ लैट्रिन बाथरूम है तो वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम में साफ सफाई है कि नहीं है। तो मतलब हम हर छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पूरी देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को तभी लाइक करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं वहाँ से आगे से, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे यहाँ वहाँ पे होती है टिकट बुक, तो वहीं पे हम आपको बताएंगे कैसे क्या व्यवस्था है टिकट बुक होने की। देखिए यहाँ से अपन को जाना है टिकट के लिए, यहाँ पे वहाँ पे होती है अंदर टिकट बुक और यहाँ से एंट्री है, मतलब यहाँ से जाते हैं अंदर, जीना भी है और जो अगर व्हील चेयर वगैरह जिसको ले जानी है तो वहाँ से वो भी उसकी भी व्यवस्था है, और यहाँ पे है देखिए उतरने की व्यवस्था। लेकिन यहाँ से लोग अभी जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो यहाँ से जाते हैं और वहाँ से निकलते हैं। तो देखिए हम आपको अंदर दिखाएंगे टिकट बुक कहाँ पे होती है। तो देखिए ये रहा यहाँ पे टिकट बुक होने का, देखिए वो वहाँ पे लगे हैं लड़के, लाइन लगी वहाँ पे, तो वहाँ पे होती है टिकट बुक। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था है अपने यहाँ पे स्टेशन पर, देखिए बैठने की व्यवस्था भी है और यहाँ पे होती है टिकट बुक। और देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे व्हील चेयर वगैरह है, जिसको मतलब कोई ऐसा जो पहिए वाला चीज़ ले जिसको ले जाना है तो उसकी व्यवस्था भी है यहाँ पे, और सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं, तो जिससे जो जिस भी माध्यम से आप ऊपर जाना चाहते हैं उस माध्यम से जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ से चलेंगे ऊपर, तो चलिए ऊपर चल के हम आपको दिखाते हैं प्लेटफॉर्म। ताकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए थोड़ी ये वृद्ध महिलाएँ जा रही हैं, तो इनको सीढ़ियों पर चढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और जैसा कि ऐसे वाले इसमें मतलब व्हील चेयर वाले इसमें मतलब कहा जाए तो रिसकने वाले इसमें आसानी रहती है, तो यहाँ से जाना आसान रहता है। तो देखिए वहाँ पे पीछे भी आ रही थे वो लोग, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये आ गए हम लोग यहाँ पे रेलवे स्टेशन के ऊपर। देखिए यहाँ पे फैन की भी व्यवस्था है, पंखा वंखा सब लगे हुए हैं, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे आज, और अभी वैसे ट्रेन आई नहीं है कोई भी, मतलब यहाँ पे रुके हुए हैं। देखिए ये रहा वहाँ तक लंबा है, काफ़ी लंबा है वहाँ तक मतलब, और यहाँ पे दुकान वगैरह भी कोई खाना पीना चाय व्यवस्था, चाय समोसा सबकी व्यवस्था है यहाँ पे। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पे हमारे रेलवे स्टेशन छतरपुर रेलवे स्टेशन में अभी केवल दो ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। देखिए आप जैसा कि मैं आपको बता दूँ, देखिए एक रहा ये वाला प्लेटफॉर्म, देखिए एक रहा ये प्लेटफॉर्म, और एक रहा ऊपर से जाने के बाद वहाँ वाला वो वाला प्लेटफॉर्म। तो हमारे छतरपुर रेलवे स्टेशन में केवल दो ही प्लेटफॉर्म हैं, और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा क्या यहाँ पे सफाई की व्यवस्था कैसी है, तो लगभग एवरेज यहाँ पे सफाई की व्यवस्था ठीक ठाक है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे हम आपको अभी लैट्रिन बाथरूम में दिखाएँ वहाँ पे कैसी व्यवस्था है, साफ़ सफाई है कि नहीं है। चलिए वहाँ पे हम जाके आपको वो भी दिखाएंगे। देखिए जैसा कि वहाँ पे वो लोग पानी पी रहे हैं, तो उसी के बगल में है महिला के लिए भी है और दिव्यांग के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था। देखिए ये रहा यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था, देखिए ये है पीने का पानी और यहाँ भी है। अब हम दिखाएंगे आपको लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था कैसी है। तो देखिए आगे हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नहाने के लिए, और ये भी काफ़ी साफ दिख रहा है यहाँ पे, और ये भी काफ़ी साफ है, ये थोड़ी गंदगी दिख रही है इस पर, हाँ काफ़ी लगभग लगभग यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, ज़्यादा सफाई ही देखिए। तो जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे छतरपुर रेलवे में कैसी व्यवस्था है, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम में काफ़ी सफाई की व्यवस्था है और कोई गंदगी नहीं पाई गई है। तो अभी हम आपको यहाँ पे और भी चीज़ें दिखाएंगे, तो ब्लॉग में बने हैं, आपको थोड़ी रुकने की व्यवस्था दिखा दूँ कैसी क्या है। तो यहाँ पे तो जैसा कि आपने देखा पुरुष वाले में जब सफाई है तो यहाँ पे महिला वालों में भी सफाई होगी। तो पहले ऊपर जाने के पहले मैं आपको रुकने की व्यवस्था बता दूँ कि यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है या नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे जाके दिखाएंगे हम आपको कि यहाँ पे रुकने के लिए व्यवस्था है कि नहीं, जैसे कोई रात को आता है तो यहाँ पे रुकने के लिए व्यवस्था है, बैठने के लिए व्यवस्था है कि नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्टेशन पे देख सकते हैं यहाँ पे तो रुकने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है। देखिए ये रहा महिला प्रतीक्षालय, देखिए तो ये अभी पूरा खाली डला हुआ है, फैन भी लगी हुई है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सफाई है, डस्टबिन भी रखा हुआ है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो यहाँ पे मतलब हमारे छतरपुर रेलवे स्टेशन में काफ़ी सफाई है, व्यवस्थाएं भी हैं। देखिए शयन यान प्रतीक्षालय है, यहाँ पे सोने की व्यवस्था है, देखिए
तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे व्यवस्थाओं में कोई भी कमी नहीं है, कहा जाए तो कोई भी कमी नहीं है यहाँ व्यवस्थाओं में। देखिए यहाँ पे महिला पुरुष प्रतीक्षालय, यहाँ पे दोनों के लिए प्रतीक्षालय है। देखिए जैसा कि बैठे हुए हैं लोग, और फैन भी चल रहे हैं, चार्जिंग की व्यवस्था भी है, सब चीज़ व्यवस्था है। जैसा कि मैंने भी ट्रैवलिंग किया है, मैं भी कई स्टेशनों पर गया हूँ, लेकिन वहाँ पर मैंने ऐसी व्यवस्था नहीं देखी है। आपने देखा होगा कई भी रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे लेटरिन बाथरूम में बहुत गंदगी रहती है, और प्रतीक्षालय भी बहुत बेकार रहती है, पंखा नहीं रहती वहाँ पे, चार्जिंग की व्यवस्था नहीं रहती। लेकिन हमारे छतरपुर रेलवे स्टेशन में आप लोग देख सकते हैं, आपने देखा भी, चार्जिंग की व्यवस्था भी है, पंखा भी लगे हुए हैं, बैठने के लिए लेटरिन की सबकी व्यवस्था है, लेटरिन बाथरूम में सफाई भी है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए खाना पीना की व्यवस्था भी है, और यहाँ पर थोड़ी वो कपड़े वगैरह मिलते हैं जो भी इमरजेंसी वाले कपड़े होते हैं। यहाँ पर प्रथम श्रेणी टिकट होने पर प्रवेश करें, जिसकी प्रथम श्रेणी में टिकट होती है उसके लिए है। और आगे भी एक मतलब पानी की व्यवस्था है वहाँ पे, मतलब ठंडे पानी के लिए वो लगा हुआ है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये आगे हम लोग यहाँ पे भी पीने के पानी की व्यवस्था है, और देखिए यहाँ पे ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए ये लगाया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं मैं उसको ध्यान नहीं आ रहा कुछ। तो यहाँ पे ठंडे पानी की पीने की व्यवस्था है, और वैसा ही पानी मिलता है यहाँ पे, आरो लगा हुआ है मतलब यहाँ पे। और आप लोग जैसा कि देख सकते हैं फैन है ना, जो पंखे वो हर जगह चालू हैं, कोई पंखा यहाँ पे मतलब ख़राब नहीं दिख रहा है यहाँ पे हमको। और इस तरफ भी काफ़ी मतलब भीड़ है, तो यहाँ पे भी थोड़ा आपको जाके दिखाएंगे आगे। देखिए ये रहा यहाँ का नज़ारा, तो आपने ये सब देख लिया, और ये रहा हमारा छतरपुर, देखिए आप। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे कैसी क्या व्यवस्था है, तो आप लोगों ने सबने देखा, लगभग यहाँ पे व्यवस्थाएं नंबर वन है, कोई भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। तो और मैं ऊपर जाके भी आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ा, प्लेटफॉर्म नंबर दो। ये दोस्तों जा रहे हैं हम लोग ऊपर, और ऊपर से हम सब आपको दिखाने वाले हैं कि कैसा क्या नज़ारा दिखता है ऊपर से हमारे छतरपुर रेलवे स्टेशन का। तो यहाँ पे बहुत ही ठंडी हवा लग रही है हमको, और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये रहा बाहर का नज़ारा, वहाँ से एंट्री होती है वो दिख रहा है वहाँ से, और वहाँ पे मैंने दिखाया था वहाँ पे टिकट वगैरह बुक होती है, वहाँ से ऊपर आते हैं, और जो यहाँ से एग्जिट है वो यहाँ से एग्जिट है, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन अभी यहाँ से आ रहे हैं क्योंकि अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, तो कहीं से भी आ रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं। तो देखिए जैसा कि आप लोग देखते हैं ऊपर आ गए हम लोग, और ये रहे यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म हमारे, और ये रहा पीछे का नज़ारा, काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैं इस तरफ गया नहीं है, वही सब, और ऊपर आने के बाद बहुत ही ठंडी हवा लग रही है यहाँ पे, मैंने आपको प्लेटफॉर्म में दिखाया, देखिए। वैसे कहा जाए तो ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है हमारा, लेकिन मैंने जैसा कि देखा यहाँ पे व्यवस्थाएं है ना जो बहुत ही बढ़िया है। आपने भी देखा कि लेटरिन बाथरूम है वहाँ पे भी सफाई है, और क्या बोलते हैं इसको रुकने की व्यवस्था है वहाँ पे भी बड़ी सफाई है, डस्टबिन रखे हुए हैं, हर चीज़ है, और जैसा कि प्लेटफॉर्म पर भी सफाई है। तो जैसा कि आपने सब लोग सब चीज़ देखी, तो हमारे एक प्रकार से कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी आते हैं तो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी है आपके लिए, कहीं रुकना है आपको, और यहाँ पे मतलब लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएँ हैं। तो आप आइए यहाँ पे और आप खुद देख लेना एक बार आके। तो हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करना, और हमारे चैनल पर पहली बार आपने वीडियो देखी अगर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ऐसे ही मैं ब्लॉग लाता रहता हूँ, मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।